नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में हैं। पर्यटन के नजरिए से मशहूर शहर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी दोनों के बीच मुलाकात हुई। मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात पर जहां दुनिया भर की नजर थी, तो वहीं सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने वालों की भी कमी नहीं थी। मोदी सरकार के अंध विरोध की मानसिकता वाले लोगों को दिन भर ट्विटर पर #GoBackModi का अभियान चलाते देखा गया। ट्विटर पर गो बैक मोदी ट्रेंड कराने वाले ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी किसी चुनावी रैली के लिए नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर तमिलनाडु गए हैं। ये हैं #GoBackModi कहने वाले। पीएम मोदी जब भी तमिलनाडु दौरे पर जाते हैं, ट्विटर पर गो बैक मोदी अक्सर ट्रेंड करता है। दरअसल दक्षिण भारतीय हिंदी भाषा थोपे जाने के विरोध में गो बैक मोदी ट्रेंड करवाकर पीएम मोदी के दौरे का विरोध करते हैं। लेकिन पीएम मोदी इस बार विदेशी मेहमान के साथ तमिलनाडु आए, इसके बावजूद मोदी विरोधियों ने गो बैक मोदी अभियान चलाया। आरुषि चैतन्य नाम के ट्विटर यूजर ने यह तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि मोदी जी आप यहां न आए। सेल्वा गणेश नाम के ट्विटर यूजर ने नोटबंदी के दौरान की एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण मत करो। शाइक तौफीक नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है, इसलिए मोदी वापस चले जाएं। ट्विटर यूजर मनस्वी प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो ट्वीट की है, जिसमें लिखा है, मोदी कहते हैं कि भारत में सब अच्छा है, लेकिन हम लोग ठीक नहीं हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को लेकर तमिलनाडु के लोगों के मन में नकारात्मक छवि होना निश्चित रूप से दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी, राज्य या दल के नहीं, बल्कि पूरे देश के होते हैं। पीएम मोदी ने विदेशी मेहमान शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए सभी शहर छोड़कर महाबलीपुरम को ही चुना, क्योंकि वो चाहते थे कि दो बड़े देशों के नेताओं की मुलाकात की वजह से महाबलीपुरम को पर्यटन के तौर पर अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ लोगों को शायद ये रास नहीं आया, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी कराने के लिए ट्विटर पर गो बैक मोदी ट्रेंड करने लगे।